एवरीवन, मैं महावास्तु आचार्य लिपिका मेहरोत्रा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आइडिया। इट्स अ मिलियन डॉलर आइडिया। मिलियन, यस, यू गॉट इट राइट। आवर टुडेज़ टॉपिक इज मनी मनी। तो आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र, बिल्डिंग एंड धन धनाधन धन। जैसा गुरु सखा खुशदीप बंसल कहते हैं कि पैसा तो 16 दिशाओं से आता है, तो महावास्तु वो सिस्टम है, वो मेथडोलॉजी है हर चीज को 16 दिशाओं से कनेक्ट करने की। एक सनातन नेचुरल सिस्टम है, नेचर के साथ अलाइन होने का, फिर उसको बैलेंस करते हुए रिजल्ट लेने का। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ देते हैं। तो सबसे पहले आप चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड करिए अपने फोन पे, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और जिन जोन्स की हम बात करेंगे वो इनमें देखिए और रिलेट करिए कि कहीं कोई इम्बैलेंस तो नहीं है इन जोन्स में जो हमें धन देने में सहायक होती हैं। अब देखते हैं कि पैसा आता कैसे है। क्वेश्चन, इंटरनल एनालिसिस। तो पैसे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म करना। आपका कर्म क्या है? आप क्या डिलीवर करते हो? कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, एडवाइस है जिसके एवज में आपको पैसा मिलता है। फिर बात आती है कि वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल कैसे है। सेकेंड क्वेश्चन, आपका बायर कौन है और वो आपसे क्या खरीद रहा है? आपके सामान में ऐसा क्या है कि वो आप ही से खरीदे? आंसर इज क्वालिटी। पीपल बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। तो वो क्लैरिटी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आती है नॉर्थ ईस्ट। दिशा शक्ति चक्र में देखिए नॉर्थ ईस्ट और रिलेट करिए कि क्या आप मोटिवेटेड और क्लियर फील करते हैं? जो डिलीवरेबल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके लिए आपको क्लैरिटी है। जब हमें क्लैरिटी होती है अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ही हम सही लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं जो हमें धन देते हैं। तो अब आप देखिए दिशा शक्ति चक्र में जहाँ ईस्ट लिखा है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? यह आपको सही लोगों से कनेक्ट करता है, मेलजोल की दिशा है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि निरंतर आगे बढ़ते रहना ही तो ग्रोथ देता है। अब आता है ईएसई, जहां ओवरथिंकिंग लिखा है। अगर ये बैलेंस्ड हो तो आप सही एनालिसिस कर सकते हैं अपने एक्शंस, अपने कर्म के बारे में। फिर आता है ज्ञान का जोन, स्टडीज का जोन, WSW। ये जोन हमारे नो हाउ को स्ट्रेंथन करके हमारे कर्म को प्रशस्त करता है, राइट? अब हम आते हैं उस जोन पर जो है प्राप्तियों का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का, लिखा है ना दिशा शक्ति चक्र में वेस्ट। अब आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, सामाजिक संबंध भी अच्छे हैं, पर प्राप्तियां नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? बस वही घर के सेंटर में खड़े होकर जहां W लिखा है प्राप्तियां, उस दिशा को देखिए कि वहां कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, टॉयलेट या लाल या हरा रंग तो नहीं है। तो ये तो बात हुई उन दिशाओं की जो हमारे पैसे के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब क्यों ना मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं जिसमें आपको और कुछ एडिशनल जोन्स दिखेंगे जो पैसा लाने में सहायक होते हैं। तो मैं वीहा फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजर भी हूँ। तो लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट शो था। शो के महीना भर पहले तक हमारे पास सिर्फ 10 से 15 बुकिंग्स ही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये हम कर भी पाएंगे या नहीं, या हमने कोई गलती कर दी ये इवेंट अनाउंस करके। फिर एक दिन लगा कि भाई हिम्मत हारने से तो बात नहीं बनेगी, चलो कुछ महावास्तु टेक्निक्स यूज़ करते हैं, शायद बात बन ही जाए। तो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम नोट की, राइट?
और क्या साकार करना है वो लिखा। मेरी कंसर्न्स थी बुकिंग्स, गेटिंग स्पॉन्सर्स, एस्टैब्लिश माय वीहा एज अ ब्रांड एंड पुल मोर एंड मोर कस्टमर्स टूवर्ड्स माय इवेंट। तो ये मैंने नोट बनाया क्योंकि अपने यहाँ बेसिक बैलेंसिंग तो पहले से ही की हुई थी, अब बारी थी मैनिफेस्टेशन फैसिलिटेट करने की। तो मैंने क्या किया, मैंने एक विश लिस्ट लगाई कि हमारी 40 स्टॉल्स बुक हो गई हैं और ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है, राइट। फिर वीहा का नाम लिखकर साउथ में लगा दिया। ब्रांडिंग की दिशा है ना साउथ, ब्राउन फ्रेम में वही पंच तत्वों का खेल, पेरेंट एंड ऑल, जो महावास्तु की ही टेक्निक है, महावास्तु की ही देन है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी मैंने वीहा का नाम लिखकर लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों इस इवेंट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में मैंने श्री कृष्ण को बिठाया, जो मुझे इंसाइट आई थी कि बस अब यही संभाल सकते हैं। और इसके साथ ही गुरु सखा केवी सर की बताई हुई कुछ बातें याद आईं। बात तो एक ही श्लोक की है पर मैंने इसको दो तरह से ग्रहण किया। नंबर वन, कर्म करना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में है परंतु उसका फल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब भी मुझे कोई इनसिक्योरिटी हुई तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि इस समय मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या है, बस कर्म करना। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो विश लिस्ट लगाई थी 40 स्टॉल्स की, तो एग्जैक्टली 40 स्टॉल्स ही थी एग्जिबिशन में और 10-15 स्टॉल्स हमने वापस करी, रिटर्न करी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। हमें स्पॉन्सर्स भी मिले थ्रू आउट द डे, कस्टमर्स का फ्लो वॉज अमेजिंग थैंक्स टू ऑल माई वंडरफुल फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा पहला इवेंट सक्सेसफुल बनाया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल फ्रेंड्स। तो ये तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस वेल्थ क्रिएशन का। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आए होंगे, काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि हमको अपनी वेल्थ का मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है, वो कौन से जोन्स हैं महावास्तु के जो पैसा लाने में सहायक होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म करवाने में सहायक होते हैं, क्योंकि जब कर्म करेंगे तभी तो पैसा आएगा ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, take care.